बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, मैं और मेरी फैमिली हम पाकिस्तान टूर पर जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगी। हम जहां जहां घूमने जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारी गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। वीवर्स, हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन हमारी फ़्लाइट डिले हो चुकी है। अब रात 1:30 बजे हमारी फ़्लाइट जाएगी। सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट रवाना हो चुकी हैं, सिर्फ हमारा जहाज़ फ़्लाइट के लिए तैयार खड़ा है। अनाउंसमेंट हो रही है, अब हम जहाज़ के लिए जा रहे हैं। वीवर्स, हमारा जहाज़ एयर ब्लू है। हम अपनी सीट्स ढूंढ रहे हैं। अपनी सीट्स ढूंढ कर आराम से बैठकर आपको बताते हैं। हमारा जहाज़ फ्लाई के लिए तैयार खड़ा है। अब हम आराम से, हमारी सीट्स मिल चुकी हैं, वह हम आराम से सीट्स पर बैठ रहे हैं और हमारा जहाज़ फ्लाई कर गया। अब हमारा जहाज़ ऊपर की तरफ जा रहा है और जहाज़ कराची से लाहौर का सफ़र 1 घंटा 45 मिनट का है। पायलट ने अनाउंस किया कि मौसम की ख़राबी की वजह से 10 मिनट हम फ़ज़ा में स्टे करेंगे। इस 10 मिनट में हमारा जहाज़ 4 मरतबा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आया। लोगों ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। कोई कलमा शरीफ का विर्द कर रहा था, कोई दुआएं पढ़ रहा था, कोई बहुत परेशान था, बच्चे रो रहे थे, अजीब परेशानी का आलम था। फिर पायलट ने अनाउंस किया कि हम लाहौर के रनवे पर लैंड करने वाले हैं। अब हमारा जहाज़ लैंड करेगा। हम लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। यहाँ तूफ़ानी बारिश हो रही है। मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बारिश को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और हम जा रहे हैं। बारिश को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम मैस जा रहे हैं। वीवर्स, ये बहुत ख़तरनाक फ़्लाइट थी। हमने तो कलमा पढ़ लिया था और हमने सोचा था कि बस आज हम गए। अब हम मैस जा रहे हैं और मैस पहुंचने वाले हैं। वीवर्स, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, मैस का बताऊंगी और जहां जहां हम घूमने जाएंगे वहां का बताऊंगी। आप वीडियो देखें, आपको पसंद आएगी। आप फिर दूसरे ब्लॉग के लिए तैयार रहें। मैं आपको जल्द ही दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी।